किसान कैसे खेती करता है और आज किसानों की यह कोरोना संक्रमण के कालखंड में खेती कैसी की जाती है और किसान के हालत और अभी किसान की खेती में किसी फसल खड़ी होए इसका जायजा लेने के लिए जिला परिषद नागपुर के कृषि सभापति तपेश्वर वैद्य ने भिवापुर तहसील के किसान की खेती का दौरा किया। लॉकडाउन और कोरोना आज अपने देश में एक महामारी रोग का संक्रमण चल रहा है। इस वजह से किसान को ना कोई कामकाज मिल रहा है और ना ही किसान को फसल का मुआवजा बराबर मिल रहा। इस कारण किसान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस वजह से बहुतांश किसान ने अपने खेत बेचे हैं या किराए से दिए, पर जो किसान वडिलोपार्जित खेती कर रहा है वो आज भी अपने खेती को बड़े स्तर पर खेत से फसल की पैदावार कर रहा है। आज भिवापुर तहसील का सबसे बड़ा गांव नान में अचानक कृषि सभापति ने किसान की खेती का दौरा कर चौंका दिया। यह नान में 60 एकड़ के मालिक भक्तदास छोटे के खेत में जाकर किसान की लगाई गई फसल का दौरा किया। इसमें सब्जी फसल चौलाई, टमाटर, बैगन, खीरा और अन्य सब्जी भाजी और कपास, सोयाबीन, भात और अन्य फसलों की देखभाल और इनका नियोजन कैसे कराया जाता है यह जानकारी किसानों को दी गई। इस जिला परिषद के किसान खेती दौरे में पंचायत समिति सभापति, कृषि विस्तार अधिकारी आदि तौर पर शासकीय अधिकारियों ने यह दौरे पर हाजिरी लगाई। तपेश्वर वैद्य ने बताया कि दौरे में कृषि अधिकारी प्रवीण नागरगोजे, ममता शेंडे, पंचायत समिति सभापति भिवापुर शंकर डडमल, जिला परिषद सदस्य नंदा नारनौरे, पंचायत समिति सदस्य राहुल मेश्राम, पंचायत समिति सदस्य समाज कल्याण सभापति नेमावली माटे, विस्तार अधिकारी सहारे, बाजार समिति सभापति राउत, सरपंच नांद, तुलसीदास चुटे और गाँव के किसान यह कृषि खेती दौरा में सहभागी हुए। तो ट्रक ने माती आते शेतात बेड तैयार करते, टोटल मल्चिंग है, टोटल ड्रीप है, शेतात पानी नहीं, तिथुन अड़ी एकर शेती लांब 1.5 किलोमीटर है, तिथुन दोन चा पानी है, फक्त दोन चा पानी। एनबीसी न्यूज के लिए भिवापुर से राम वाघमारे की रिपोर्ट।